टुडे जो है हम लोग हैं अपना रावलकोटी बल्ले और बैट्स लेने जा रहे हैं, और जिसमें हमारे मेन जो मतलब के क्या कहते हैं चेक करने वाले हैं और मेन जो हमारे प्लेयर हैं और मेन वाइस कप्तान भी हमारी टीम के जगम, तो ये बताएंगे कि भाई कौन कौन से बैट की अवेलेबिलिटी और कौन से बल्ले हम लेंगे और क्या प्राइजेस है। बाकी दिखाएंगे आपको वहाँ जाके कि बल्ले की प्राइजेस और बल्ले की क्वालिटी और बल्ले की क्वांटिटी कितनी लेनी है हमने, तो वो आप साथ रहिएगा। मगर ये है कि जगह हम आपको बताएंगे कि भाई कौन कौन सी मतलब कि आप क्वालिटी है। एक कोकोनट है, कोकोनट श्रीलंकन और रावलकोटी, ये तीन बैट्स हैं। तीनों के रेट्स अलग अलग हैं और तीनों के रेट्स में से इनको क्या पसंद आता है टीम के मेंबर्स टीम के वाइस कप्तान होने के हिस्से से भी ये सिलेक्ट करेंगे। और बाकी रही हमारी मस्तियों की बात, तो ये मस्तियाँ भी करेंगे, बताएंगे भी। और रही बात तीसरे बंदे की, वो अभी तक आया नहीं, बाथरूम से निकला ही नहीं है, उसको बाथरूम से निकाल लें हम कब से कॉल कर करके, उसका पेट खराब हो गया और इसी टाइम पे हुआ हमने आगे मीटिंग फिक्स की है 4 बजे। तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा मुनीब, आपने तो चश्मा पहन लिया लेकिन हमारा मैं तो अजीब सा मुंह लग रहा है, मतलब कोई टेंशन नहीं आ रही है, मंजन मिल भाई यही रख लो, ये बराबर हो गया साहब। क्या बात है, बात ये है कि अभी लेने जा रहे हैं बल्ले और पहली दफा टीम डाली अंदर ना रमजान टूर्नामेंट। अब बात ये है कि तीन किस्म के बल्ले हैं जो हमें समझ में आए, एक रावलकोटी है, चलिए देखने ये मुर्गी चोर जा रहा है, और तीन बल्ले है, एक श्रीलंकन, एक रावलकोटी और है कोकोनट। मुझे जो समझ में आए वो श्रीलंकन और कोकोनट समझ में आए, क्योंकि लड़के हमारे दिखने में तो आपको जानदार लगेंगे, खत्म है अंदर से, लेट नाइट तक जागते हैं लोग, बाकी आप लोग खुद समझ जा रहे हैं। तो अब ये चाह रहा हूँ मैं कि ऐसे बल्ले होंगे बॉल लगे और बाहर जाए। कल भी लेट नाइट तक इनको खिलाया मगर 3-4 ही छक्के लगे मुश्किल से पूरे 2 मैच में, हाँ क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं लग रहे, बस आप लोग दुआ करें, टीम डाल ली हमने। बाकी ये मुनीब भाई है और राहिल है, ये तो मतलब मेन हमारा जो फोकस है ओपनर यही है, ये आउट होगा तो मेरे ख्याल में टीम बाहर निकाल लूंगा। नहीं नहीं, टीम बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं टीम बाहर नहीं निकालेंगे, बेसिकली ये जो है ना माशाल्लाह से ये माशाल्लाह से बोलते कम है मगर मारते बहुत ज्यादा है। तो ये हम आपको दिखाएंगे इनकी बैटिंग, ये जो है ना अल्लाह करे इंशाल्लाह परफॉर्मेंस हम सारों की रहेगी और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारी टीम अभी नई नई निकली है, नई नई से मुराद ये कि बच्चे जो है ना न्यू एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल 0% है, उनका एक्सपीरियंस है ही नहीं ग्राउंड के हिसाब से, वो रोडों पर खेलते रहे। तो रही जगम की बात, हम लोग तो खेलते रहे, हमारी अपनी टीम थी जो बेचारे सारे इधर उधर हो गया, कोई बाहर फॉरन चला गया, कोई इसका नाम क्या है यूनिवर्सिटीज़ में बिजी हो गया, कोई इसका नाम क्या जॉब में बिजी हो गया, खुद मैं और ये ऑफिस ये होता है स्टेट में, तो इसका माशाल्लाह से अपना बैरी डाउन में सेटअप है, अल्लाह ताला इनके सेटअप में कामयाबी अता फरमाए। और आपको कोई भी प्लाट के हिसाब से, कोई भी इसका नाम क्या रेंट के हिसाब से कुछ भी चाहिए, मैं इनका लिंक इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई भी आपको क्यूरीज चाहिए, कोई भी घर चाहिए, कोई भी रेंट पर चाहिए, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, जगह नाम है इनका। बाकी मेरी रही तो मेरी भी मसरूफियात ये है कि मैं भी 6 बजे आता हूँ, ये भी 6 बजे आता है, ये प्रॉपर्टी किससे आता है, मैं जॉब किससे आता हूँ, तो हमारी जो है ना एक्टिविटी और क्रिकेट वगैरह में इस वजह से हो रही है क्योंकि हम लोग जो है ना बिजी हो गए बहुत ज़्यादा, इस चीज़ के बाद हमारी जॉब है और इसी प्रॉपर्टी का काम शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा बिजनेस हो गया। मगर ये है कि आप साथ रहिएगा और आपको बल्ले दिखाते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा वीलॉग है वो बल्लों के हिसाब से, क्योंकि हमारा रमजान टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, हमने टीम डाली है, बच्चों को इसलिए मर्ज किया कि बाकी जो सारे एक्सपीरियंस है वो इधर उधर चले गए। तो अभी 2 बजे का टाइम था और ये अभी 4 बजे हैं और अभी वेट ही हो रहा है उसका, पहले वो उठ रहा है, वो खाना खा रहा है, फिर कंप्यूटर पे बैठेगा, फिर वेबसाइट खोलेगा, फिर नहाने चला जाता है, तो क्या करें, अभी आ रहा है, देखो आ जाए अल्लाह करे, वेट कर, जैसे ही आएगा उसकी शक्ल भी दिखा देंगे कि भाई इससे दूर रहिए। हाँ बस वो देखिए बीमार बकरी जैसा मुंह है उसका, आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है आपको दिखाता है। आफ्टर ऑल हम लोग जो है ना निकल चुके हैं, मून आ चुका है, मून ये रहा, मून पीछे देख, ये देखें इसके बारे में हमने, ये देखो बीमार बकरी इधर आ चुकी है, तो ये जैसे जेम्स बॉन्ड को शुगर हुई, बदल लो नहीं नहीं माशाल्लाह से बॉडी बिल्डर है हमारा, बिल्डर है बस, मॉडल है छोटा है बाकी धड़ बड़ा है इसका, हमारा मॉडल है। और रही इसकी बात, तो हम लोग जो है ना इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि आज क्या हमने खरीदना है, और आप भी कमेंट्स करिए कौन सा हमारा फैसला सही था या गलत था, बाकी रही बचूदियाँ तो ये करते रहेगा जगह। अब चल कैमरा घुमाओ, मैं मून ये हमारे मॉडल है मेरे अंदर ही, तो इन्होंने मास्टर मल्टी फॉर्म का भी ऐड किया हुआ है, स्प्रिंग इनसे चेक करवाया था उन्होंने, क्या बात है। बाकी सज्जू नहीं, ये सज्जू नहीं, सज्जू का बड़ा भाई, तो मून आ गया, अभी हम जा रहे हैं बस बल्ले लेने, पहले कपड़े देंगे, पहले मैं घर में धोने की हिम्मत नहीं क्योंकि आगे रमजान शुरू हो रहा है। बस ठीक है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये मून है हमारे, इनकी भी बैटिंग आपको दिखाएंगे, इनकी बैटिंग दिखाएंगे, कंप्यूटर में भी खेलता है पासवर्ड लगा के, बड़ा अच्छा प्लेयर है। चलें चलें ठीक है, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट ही माशाल्लाह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, और यकीन करें कैंट के सौदागर महानामी प्लेयर, इनका भी किरदार आपको मैच में दिखाएंगे। नेम इज राहिल वड्डो, वड्डो नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर है, और ये एक और वड्डो, ये कैंट के वड्डो है, ये जो दो बंदे आप देख रहे हैं फ्रेम में, यही दो मेन आदमी जिन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के मुंह बंद करा दी जो उनके खिलाफ थे,
दो आगे भी बैठेंगे छक्के मारने वाले, तो बेटर है जेम्स बॉन्ड, बस ये दो भी छक्के मारेंगे, टेंशन नहीं लिया, वी लॉग दिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये भी बल्ला सेलेक्ट करेगा, ये साथ सामने वाले बल्ला सेलेक्ट करेगा, और इंशाल्लाह आपको कैटेगरीज भी दिखाएंगे, क्वालिटी भी दिखाएंगे, क्वांटिटी भी दिखाएंगे, मगर आपने बताना है कि कौन सा बल्ला ज्यादा अच्छा होता है, कमेंट्स में बता दिएगा लाजमी, मगर ये कि हम लोग इंशाल्लाह आपकी चॉइस से लेंगे, कमेंट्स में चॉइस से लेंगे, और ये इंशाल्लाह ये मोस्ट एक्सपीरियंस है, इनकी इनकी चॉइस प्रेफर करेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह आगे रखेंगे, बाकी आपको बता दें। बाकी मून बचोदियां कर रहा है, ये भी दिखाते हैं, कैमरा घुमा रहा हूँ, कैमरा घुमा रहा हूँ, अब ये कुछ कह रहा था, ये कुछ कह रहा था, कमेंट में जरूर बता रहा, लेना फिर भी हमने अपनी मर्जी कही है, हाँ ये चीज है, ये चीज है। और तू बता भाई। भाई मैं तो ये कहूँगा कि मतलब है कि हम तो परेशान है बिल्कुल, कि तीन क्वालिटी अब समझ नहीं आ रही, कितना पैसा तो बहुत है ना, करोड़ रुपया तो मेरे ख्याल है मैं स्पॉन्सर हुआ हूँ अगवानी करोड़, तो अब हम परेशान है बल्ले लेने, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर हम साथ लाए ना राहिल भाई, ये बस जिस जो इसने हाथ रख दिया बल्ले पे वो नहीं लेंगे इंशाल्लाह, उसके अलावा बल्ले हम लेंगे, ठीक है भाई, बस ठीक है ठीक है ठीक है, चले घर पे आ गए, रावल कोटी बल्ले लेने, तुम आपको दिखाएंगे भी शेजादी का घर कौन सा है, और रावल कोटी बल्ले और कोकोनट बल्ले और चीजें के बल्ले कहाँ से मिलते हैं, ये है, ये है शहजाद भाई जो आपको बल्ले देंगे, इंशाल्लाह आपको दिखा भी देंगे, यहाँ से गाड़ी और यहाँ हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, उसके बाद हमको बल्ले दिखा रहे हैं, आगे करेंगे यार, बाइक वाला चलो जल्दी चल यार भाई, बाइक वाली क्या बात है, सब्जी मंडी लालू के तारिक रोड नीपा इस गली में, अच्छा नहीं लगा तू खड़ा रहे, लगा ले भाई, लगा रहा हूँ स्पीड ब्रेकर पर जाने, वहां लगाने वहां लगा ले, मगर बेटे गली से अच्छा जानी नहीं कर मस्तियां, नहीं कर मस्तियां, नहीं कर तू ग्लासेस दे रहा है ना दीनी, इधर लगा ले, उतरी नहीं चिपका के लगा ले, बैठ रहा गाड़ी, मैं उतर जाऊंगा, तू पहले उतर जा फिर लगा लियो, ये देखे ये उतर के बाल हम कैसे उतर, ये देखो हमारे उतरते ही ना हमारा सैरन बन गया, ये देखो कंगी हो गई, बेहतरीन कह रहे टैड हो गए ना, बस चलो अब हम दिखाते हैं आपको रावल कोटी बल्ले, इतनी जोर से डस, चलो हम आ गए, ये देखे ये जो लोकेशन है बिल्कुल मैरान डिपो के साथ ही अंदर आके गली है, वहाँ पर शहजाद भाई रहते हैं जिनसे हम बल्ले लेंगे और आपको दिखाएंगे भी क्वालिटी भी क्वांटिटी भी, और ये शहजाद भाई का घर है और ये शहजाद भाई हैं, आप चेक कर सकते हैं, आपने जो भी बल्ले ले लो ना वे हमारे शहजाद भाई हैं, ये आपको क्वालिटी भी बताएंगे क्वांटिटी भी बताएंगे और बेहतरीन बल्ले इनके पास, आपको जब भी लेने उनके पास आइएगा, तो अभी हम आपको दिखाते हैं उनके बल्लों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, ये शहजाद भाई ने बल्ले दिखा दिए हमें, चेक करें ये बल्ले हम लोग बाहर ही देखेंगे क्योंकि उनका घर का सेटअप है और फैमिली सेटअप है, क्योंकि फैमिली की वजह से बाहर ही लाके अब बल्ले दिखाते हैं, हाँ वटो ये शहजाद भी बल्ले लाए, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से, बड़ी क्वालिटी कौन से कोकोनट भी दिखा दें, हाँ मून क्या समझ आ रहा है, मून बैलेंस आउट है, क्वांटिटी ज्यादा है तो चेक कर ले, भारी है थोड़ा सा वेट है, मैं भी जाऊंगा विद कोकोनट, साढ़े आठ सौ नौ सौ ग्राम था, 650 ग्राम बड़ा बता समीर भाई, तो ये है कि बैट हम लोग चेक कर रहे हैं, बेसिकली ये शहजाद भाई का जो है ना घर पे सेटअप है, तो उनके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो वो ला के दिखा रहे हैं, फिलहाल तो ये रावला कोट वाले बल्ले चेक कर सकते हैं आप, और मैं इसका हैंडल भी दिखा देता, केन कैंडल है देख रहे हैं, फुली केन कैंडल है और मुख्तलिफ ब्रांड है, मलिक के ब्रांड, SB स्पोर्ट्स और हसन
देखें ये जो चश्मे आ रहा है ये मॉन्ट ब्लैक का है, मॉन्ट ब्लैक है। खैर आपको दिखाता हूँ मैं, मुख्तलिफ ब्रांड है, चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो है इनको वेट समझ अभी तक नहीं आ रहा। कोकोनट कोकोनट रेफर करवाया है, बस कोकोनट मांगता है तो कोकोनट मंगवाया। अभी दिखाता हूँ, ये कोकोनट की जो है ना वैरायटी ले आए शहजाद भाई, बेहतरीन है। ये हमारे शहजाद भाई हैं और ये कोकोनट। हाँ आप चेक करो भाई, बता फिर। अभी तक मैंने बल्लों को हाथ नहीं लगाया क्योंकि बैलेंस जो है ना हमने सारी टीम से सिलेक्ट करवाना है, ये सारी टीम ने खेलना है। तो ये राहिल जो है ना ये सजेस्ट कर रहा है, साथ में शहजाद भाई भी दिखा रहे हैं कोकोनट बैट्स। अब आए पहले रावलकोटी बल्ले थे, अब ये कोकोनट बैट्स आए। सही है, चेक करो। जरा घुमाए जगह, इसका ब्रांड दिखा, ये देखें टीएस के ब्रांड वाले। बाकी ये आपको वड्डो रिकमेंड कर रहे हो, तो ये जो है आप चेक कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह हमको बताते हैं। सो हेयर वी गो द मोस्ट सीनियर प्लेयर मुनीब और रहमान। अब ये थोड़ी सी टिप्स देंगे हमें सीनियर बैट्समैन। पहले जो है ना हमने बैट सेलेक्ट किया, देखिए ये ब्रांड का बैट सेलेक्ट किया और ये अब उसका नाम क्या है, चारकोट से मंगवाया। तो सबसे पहले जो है हमने इसकी लंबाई चेक करी है, ठीक है, इसकी थिकनेस चेक करी है और बैट का कर्व चेक किया। बेसिकली ये तीन चीज़ होती हैं जो आपको लाजमी चेक करनी है आपकी, और चौथी चीज़ ये कि आपने बैट को लाजमी चेक करना केन कैंडल है या नहीं। देखिए आपको एक नज़र आ रही है, केन कैंडल थोड़ा समझाएंगे। केन कैंडल से मुराद है कि इसमें रबड़े दली होती हैं, कुछ में आधे, ठीक है, आधी रबड़े दली होती हैं, उसकी है। उसकी जो प्राइस होती है कम होती है, और कुछ में पूरी रबड़ दली होती है, ठीक है। जो पूरी रबड़ दली होती है वो बैट महंगा होता है, तो इसी वजह से लंटन बैट है और प्रॉपर पूरे हैंडल में रबड़ दली है, पूरा प्रॉपर रबर और हैंडल वाला बैट है केन कैंडल का। ये देखो नजर आ रहा है आपको, ये देखो लगाता है, अब इसको प्रेस करेंगे तो इसकी जो ग्रिप है वो बिल्कुल ऊपर नीचे होगी और इसका नाम क्या है, रबर के लिए आपको फीलिंग लगती है। और मुनीप भाई थोड़ा सा ये बताएं कि अगर हिटिंग करनी है आपको लास्ट डेप्थ ओवर में टेप बॉल खड़े होने के लेने का मकसद होता है, बेसिकली आपकी टाइमिंग मैच करनी पड़ती है बॉल से, सही है। और जब सबसे पहले आपको हिटिंग करने का मैं ये पता बता देता हूँ, अगर आपको हिटिंग करनी है तो आपको सबसे पहले अपना बैलेंस और अपनी बॉल और बैट का कनेक्शन अच्छा करना होगा। सबसे बॉल है अगर आप कनेक्ट अच्छे तरीके से कर देंगे कलाई और इसके साथ, तो इंशाल्लाह बॉल बाहर ही जाएगी, अंदर नहीं आएगी। तो मेन चीज़ जो होती है एक तो आपका बैट, आपका आई की कोऑर्डिनेशन और प्लस बैट और बॉल की कनेक्शन, तीन चीज़ें जो आपने प्रॉपर कर ली तो छक्का बॉल में अंदर नहीं करना, बाहर ही जाना। और बैट का बहुत फर्क आता है, बॉल का बहुत फर्क आता है, तो बैट और बॉल हमेशा यह हमारे हथियार हैं। अगर आप अपने हथियार ओके रहेंगे तो आपको बैट और बॉलिंग में मज़ा भी आएगा और आप फिर भी मार सकेंगे। तो ये बैट हमने सेलेक्ट किया है और दूसरा रावल कोटी सेलेक्ट किया, ये भी रकम आपको दिखा लेंगे। ये भी सिलेक्ट हो रहे हैं, राहिल और मून जो है वो अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। कौन सा समझ आया भाई बताओ बेटा, बीमार बकरी कौन सा समझ में, मून ये समझ में आया। ये मून खास प्लेयर है, हमारा ओपनर है, चल नहीं रहा आजकल, इसको जरा मैंने शॉर्ट प्रैक्टिस करानी है। बस शहजाद भाई जो है ना, शहजाद भाई कह रहे हैं बस ये वन ऑफ द बेस्ट बैट थे जो आपको दिखा दिए, तो उसमें जो हमें एक ये बैट समझ आया और दूसरा बैट हमें ये समझ आया, सही है। तो ये जो है हमें बैट जो है ये 6.5 का है और वो जो सामने वाला बैट है वो तकरीबन 2 का पड़ेगा, तो ये जो है हमें 8,500 रुपये का हमें बजट पड़ गया है। खैर फिलहाल आपको दिखाते हैं कि आगे हमें बॉली भी लेनी है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। बाकी 7 रुपये पूरा स्पोर्ट पर, तो आपको दिखाते हैं यहाँ के बैट्स। तो वहाँ तो हमें शुरू से क्या नज़र समझ नहीं आए, और वहाँ के जो मामला हैं वो बड़े अलग।